अज एक गल करेंगे खास बड़े बहुत वधिया जो तुहाडे नॉलेज वास्ते लैण वाली गल है जी। पंजाब पुलिस की प्रशासन की एक बहुत वधिया शान है जो उन्हां दी बिल्कुल शान है, जान है ते जहान है, वरना तू किस काम है। बहुत वधिया दी गल तरीके नाल असीं गल करांगे। अज जो गल करेंगे असीं गल करेंगे पंजाब पुलिस दे डंडे दी, वह किस किस काम आता है, तो सरकार के जो हथियार ने अच्छे तरीके वरते जाते हैं और असं गल। बाबू साहब जी जो ये सरकार ने एक बहुत वधिया जी असं डंडे की गल करिए पढ़ो तुम ये सर किस किस थोड़े तो फायदे तो की फायदे होंगे ना सर? फायदा बस कोई जरा गल नहीं मानते, बस उन्होंने थोड़ा जहा धोखा धोखा देंगे और डरते माड़े इधर उधर कर देंगे बस। बाकी बच्चे सारे सियाने उसे करके पहले डरते माड़े कर देंगे। मतलब कि ये जो डंडा है उस काम है कि अगर कोई कानून नहीं मानता उनको थोड़ा डराने के लिए कि लोग थोड़ा उनमें डर हो जाए, वरना वैसे नहीं है। ऐसे नहीं है जो इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसे सारे सियाने हैं, सारे अच्छे करके हैं, इस करके पहले समझ जाते हैं मतलब। इसीलिए सरकार ने ये दिया है कि लोग जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, जो लोग बेसमझ हो जाते हैं, जो हूड़ मत करते हैं, उनको थोड़ा एक डर के लिए ये दिया है। डर के लिए दिए बस और कुछ बिल्कुल दोस्तों अपना बचाव भी हो जाते डंडा है कि अपने एक तो सब पहला बचाव के लिए, दूजे नंबर से अगर किसी प्रकार के कोई गुंडागर्दी करते हैं लोग या कोई समझ नहीं है तो उन्होंने एक छोटे डर पाने वास्ते कि चलो प्रशासन के कोल हथियार ना कि जरूरत पैंते अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जान माल को बचाने वास्ते किसी न किसी की वरतों कर सकते हैं। यह डंडा बड़े सक्सेना तो तुम दे रहे हो आज तक आमने सामने गल करेंगे जलंधर शहर की संतोषी नगर के जिते कि करोना का मरीज पाया गया से साढ़े प्रशासन की गल करिए, पुलिस प्रशासन की गल करिए तो जिम्मेवार अपन दिन रात ड्यूटियां निभाते रहते हैं और अभी सब पहले गलबात करेंगे ए एस ए बाबू दास जी उन्होंने कि वह हूँ जो लोग इतों के आ बिल्कुल थोड़े सुधर चुके हैं कि कानून मानते हैं कि नहीं मानते। सर जो संतोषी नगर के एरिए करोना का मरीज पाया गया थोड़े सख्त ड्यूटियां लगियां ते इस एरिया के लोग थोड़ा समा तक होया जी कि सारे सहमत है सही नाल ड्यूटी सब कोई मतलब इतना परेशानी नहीं होता।